जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनको माया के बारे में समझना और कामदेव के बारे में समझना जरूरी है। इसलिए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि माया कौन है और कामदेव कौन है। कामदेव का मतलब ये है कि हमारे भीतर जो इच्छा उत्पन्न होती है वह कामदेव की वजह से उत्पन्न होती है। कामदेव देवताओं के समय के देव हैं जिनको कामदेव कहा जाता है। आप गूगल पर उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। कामदेव का सीधा साधा अर्थ ये है कि वह हमारे भीतर प्रेम उत्पन्न करता है। किसी स्त्री को हम देखते हैं उसकी तरफ हम अट्रैक्ट क्यों होते हैं, यह कामदेव की वजह से होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको परमाणु के बारे में बताया था और प्राण शक्ति के बारे में बताया था। ये दोनों चीज़ें भी होती हैं लेकिन साथ साथ में कामदेव का प्रभाव भी हमारे ऊपर रहता है। तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि कामदेव का हमारे ब्रह्मचर्य से क्या अर्थ है और माया का हमारे ब्रह्मचर्य से क्या अर्थ है। तो फिर क्या है कि कामदेव जो है उसके पास बाण होते हैं, 5 बाण होते हैं। पहले बाण का नाम है मोहन, दूसरे बाण का नाम है स्तंभन, तीसरे बाण का नाम है उन्मादन, चौथे बाण का नाम है शोषण और 5वें बाण का नाम है तापन। अब ये 5 बाण जो है वह किसी भी स्त्री के ऊपर या फिर किसी भी पुरुष के ऊपर कामदेव जो है वह मारता है। यानी कि जैसे ही हम किसी स्त्री को देखते हैं तो फिर वहाँ पर ऑटोमेटिक ही जो 5 बाण है वह हमको लगना शुरू हो जाते हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू होती है हमारे देखने से। तो क्या है, पहला बाण है मोहन। मोहन का क्या काम होता है कि किसी भी सुंदर लड़की को देखकर हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये पहले बाण का काम है। जैसे ही हम किसी स्त्री की तरफ देखते हैं और यदि हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, तो फिर यह पहले बाण की वजह से ही हुआ है। और पहले बाण का काम है हमको किसी भी स्त्री की तरफ या फिर किसी स्त्री को पुरुष की तरफ अट्रैक्ट करना। अब है दूसरा बाण। दूसरा बाण क्या करता है, ध्यान खींचता है। पहला तो ये है कि हम स्त्री की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि स्त्री की तरफ हमारी नज़र पड़ती है। अब उसके बाद हमारा ध्यान भी उस स्त्री की तरफ या फिर उस पुरुष की तरफ जाने लगता है। यानी कि दूसरे बाण में जो है हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है, वह उस स्त्री की तरफ पूर्ण रूप से जाने लगता है। तीसरे बाण का नाम है उन्मादन। तो तीसरा बाण उन्माद उत्पन्न करता है, यानी कि हमारे भीतर जो है ना उन्मत्त बनाता है। तो इसी तरीके से जो हमारा तीसरा बाण है वह हमको किसी भी स्त्री के प्रति उन्मत्त बनाता है। हम मतवाले हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है हम क्या करें, हम उसकी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट होते जाते हैं। चौथा बाण है शोषण। यह क्या करता है, यह हमारे भीतर किसी भी स्त्री के प्रति प्रखर प्रलोभन उत्पन्न करता है। प्रलोभन का मतलब यह है कि 3 स्टेज तो हो गई हैं, अब चौथी स्टेज जो है वह बहुत ही हाई लेवल की है। और हाई लेवल की मतलब ये है कि हमारा जो स्त्री के प्रति जो है वह प्रखर प्रलोभन उत्पन्न होगा। हम उसकी तरफ जैसे कि किसी लोभी पुरुष को आप देखोगे कि वह पैसों से कितना लोभ करता है, इसी तरीके से जो चौथा बाण है वह हमको स्त्री के प्रति प्रलोभन देता है, पूरी तरीके से प्रलोभित कर देता है। और आखिरी में आता है 5वां बाण जिसका नाम है तापन। तापन का मतलब ये है कि यह हमारे भीतर आग उत्पन्न करता है, यह हमारे शरीर को तपाने लग जाता है। उस स्त्री की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही हम अपने आप पर कंट्रोल करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वह तपने लग जाता है। तपने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से हॉट हो जाओगे, कहने का मतलब यह है कि स्त्री की तरफ जैसे ही आप आकर्षित होगे और जब आप खुद को बचाने का प्रयास करोगे तो फिर आप देखोगे कि मैं अपने आप ऊपर कंट्रोल तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे भीतर एक तरीके की गर्मी उत्पन्न हो रही है उसके साथ सेक्स करने की। तब आप समझ गए होगे कि कामदेव के बाण किस प्रकार से काम करते हैं। अब हम जानते हैं माया। माया क्या है, माया का अर्थ है भ्रम। और माया का काम है कि इस विश्व में जो है वह जनसंख्या की वृद्धि की जाए, स्त्री पुरुष के बीच संबंध बने और गर्भाधान हो और जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि हो सके। तो फिर माया भी अपना प्रभाव दिखाती है और माया प्रभाव दिखाती है 2 चीज़ों से। जो भी पुरुष स्त्री की तरफ अट्रैक्ट होता है वह अट्रैक्ट हो ही क्यों, वह उसकी तरफ आकर्षित हो ही क्यों। तो फिर आकर्षित हो इसके लिए माया ने 2 चीज़ें बना रखी है स्त्री के भीतर। पहली ये है स्तन, दूसरी है। तो क्या होता है कि स्त्री जो है जो पुरुष जो है वह स्त्री की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन आकर्षित स्त्री के स्तनों को देखकर होता है, स्त्री के नितंबों को देखकर होता है। अब आप ऐसा कह सकते हो कि यह एक माया का पूरा जाल बना रखा है कि हम किसी तरह से स्त्री की तरफ और उस आकर्षण की वजह से उसके साथ संबंध बना ले और संबंध बनाने के बाद
संतान की उत्पत्ति हो, किसी पुत्र की उत्पत्ति हो, जिस वजह से फिर जनसंख्या में वृद्धि हो सके। माया जो है वह किसी भी पुरुष को स्त्री की तरफ तभी अट्रैक्ट करती है क्योंकि उसके पास जो है स्तन है और नितंब है। यदि किसी स्त्री के पास स्तन और नितंब है और उसको देखकर पुरुष आकर्षित हो रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि यह माया का बिछाया हुआ जाल है। माया तो बस यही चाहती है कि आप उसके बड़े बड़े स्तनों को और नितंबों को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं और आपस में संबंध बना लें। तो यही है जो माया है और जो कामदेव है, इनका यही काम है कि स्त्री पुरुष के बीच प्रेम को बनाए रखें और जनसंख्या की आगे वृद्धि की जाए। यानी कि मेन बात यह है कि पुरुष जो है वह स्त्री की तरफ आकर्षित इसीलिए होता है, वह स्त्री के बड़े बड़े नितंबों की तरफ आकर्षित होता है, वह स्त्री के बड़े बड़े स्तनों को देखकर आकर्षित होता है। इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से जो पुरुष है वह स्त्री की तरफ बहुत ही आकर्षित होता है और पुरुष कहता है कि यह स्त्री मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है। स्त्री के पास स्तन और नितंब होना तो केवल माया का जाल है। माया बस ये चाहती है कि ये जो पुरुष है ये स्त्री के स्तनों और नितंबों को देखकर पूरी तरह से आकर्षित हो जाए और ये आपस में संबंध बना लें और जनसंख्या की वृद्धि होती रहे। लेकिन जो जागृत पुरुष है, जो ब्रह्मचारी बनना चाहता है, जो प्रभु की प्राप्ति करना चाहता है, वह इन माया के जाल से धीरे धीरे छूटता है और जैसे जैसे जागृति बढ़ती है वैसे वैसे पुरुष जानने लगता है कि यह जो स्त्री के स्तन है, नितंब है, या फिर इसकी जो इतनी अच्छी जो त्वचा है, यह वास्तव में सुंदर है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर के भीतर की जो इतनी गंदगी भरी हुई है, यह जब किसी पुरुष को एकदम नज़र में आने लग जाती है तो फिर वह यह समझने लगता है कि स्त्री या पुरुष सुंदर है ही नहीं, केवल यह जो मांस है, हार्ड मांस का जो शरीर है, बस यही है जो हमको आकर्षित कर रहा है। जब जब जागृति बढ़ने लग जाती है तो फिर हम समझ जाते हैं कि ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ व्रत है। इसके अलावा जो और जो चीज़ें हैं, स्त्री का पुरुष की तरफ, पुरुष का स्त्री की तरफ अट्रैक्ट होना, बस बहुत ही लाजमी सी बात है। इसमें ऐसा है ही क्या जो हम स्त्री के स्तनों की तरफ या फिर नितंबों की तरफ अट्रैक्ट हों।